Hey guys, welcome to another episode of Spiti Valley. So last video में we explored some popular places of Spiti. वो एक circuit था जिसमें हम 5 या 6 जगह cover किए हैं. आपने वो video अभी तक नहीं देखा है तो go and check out, link in the description. In this video we gonna explore places like Key Monastery, Tanka Monastery and Tabo Monastery. So guys, ये must watch video है. आप स्पीति वैली आ रहे हैं तो ये तीनों मॉनेस्ट्री आपको देखना है. Stay tuned to this video and enjoy the block. अभी हम लोग पहुंच गए हैं की मॉनेस्ट्री. इट्स लुक्स लाइक ए फोर्ट और गुम्फा विथ टेम्पल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर. चलिए की मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं. The walls of the monastery are covered with painting and mural and it is located at height of 13,000 feet. ये अपने आप में ही एक टाउन है. यहाँ पे स्कूल है, टेम्पल है, प्रेयर्स हॉल है, हॉस्टल है, रेस्टोरेंट है और ये मॉनेस्ट्री में 300 से ज्यादा मॉन्क्स रहने का फैसिलिटी है. की मॉनेस्ट्री के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दंकर. काजा से दंकर का डिस्टेंस होगा अराउंड 38 किलोमीटर. पे ये बहुत ही पुराना और सुंदर मॉनेस्ट्री है. सो गाइस, मैं इसका एक कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ. दंकर मॉनेस्ट्री स्पीति का सबसे पुराना मॉनेस्ट्री है. दंकर विलेज जो है एक लोटस शेप में है एंड इट इज सराउंडेड बाय 8 माउंटेन्स. ये लिटरली एक गुम्फा ही है और बहुत ही पुराना है. सो गाइस, ये दंकर का नया मॉनेस्ट्री है, दंकर मॉनेस्ट्री, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाएगा. बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में है और यहाँ पे दंकर लेक बस कुछ किलोमीटर का ट्रैकिंग है और वहाँ पे कार या बाइक फिलहाल नहीं जा रहा है. सो गाइस, चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन टाबो की. काजा से टाबू का जो डिस्टेंस होगा वो होगा अराउंड 50 किलोमीटर और रोड बहुत ही एडवेंचरियस है. सो गाइस, लुक एट द रोड. राइट साइड में आपको दिखने को मिलेगा स्पीति रिवर और लेफ्ट साइड में आपको दिखने को मिलेगा ब्यूटीफुल यूनिक आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल माउंटेन. सो गाइस, इसको फॉसिल लैंड भी कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि ये जो एरिया है बहुत साल पहले समुन्दर के अंदर में था. दंकर घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं टाबू. टाबू एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है स्पीति वैली का और यहाँ पे टाबू मॉनेस्ट्री है जो कि बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर है. सो गाइस, टाबू एक छोटा सा ब्यूटीफुल शहर है. अगर आप शिमला से आ रहे हैं तो बिफोर गोइंग टू काजा यहाँ पे स्टे कर सकते हैं. बहुत सारे होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट और बैंक भी है. सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मॉनेस्ट्री. एक कंप्लीट टूर मैं आपको दूंगा, उसके बाद हम लोग फिर से काजा रिटर्न हो जाएंगे. सो गाइस, स्टे ट्यून्ड. गाइस, ये है ओल्ड मॉनेस्ट्री टाबू जो कि मड से बना हुआ है. ब्यूटीफुल. और अभी प्रेयर चल रहा है, आप देख सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो.
आज का दिन बहुत ही अच्छा गया. वी कवर्ड सम ऑफ द ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री ऑफ इंडिया. स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट स्पीति वैली ब्लॉग.